जो महिला डॉक्टर थी डॉक्टर अंजू, वो हमारे साथ मौजूद हो, टीवी 9 के कैमरे पे वो मौजूद है और वो अपना पक्ष रखेंगी कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि ये जो लड़के हैं ये हमको गंदी गंदे कॉमेंट्स कर रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। हालांकि ये दोनों लोग अभी टीवी 9 के कैमरे पर आमने सामने हैं, वो जो लड़का है वो भी हमारे साथ मौजूद है और जो महिला है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले महिला के पास चल लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बताइए मैम, हुआ क्या था? मैडम, पिछले 3-4 साल से ये जो घर के सामने है, ये दिवाली से 1 महीना पहले ही इनकी दुकान लग जाती है और लड़के लोग स्टूल पे बैठा दिए जाते हैं, जो गंदी गंदी नज़रों से हमारे गेट में पूरा घूरते रहते हैं और कमेंट्स पास करते रहते हैं, जिसको कि मैं इग्नोर करती जा रही थी। और फिर जैसी दिवाली आती है, घर के बाहर पूरा गेट से बिल्कुल वो बिल्कुल रेहड़ी वालों को जो ठेले वो लिए होते हैं उसमें बैठा देते हैं, एक पाँव नहीं रख सकते हैं, पूरा वहाँ तक और वहाँ तक बैरिकेडिंग करके पूरा बंद कर दिया जाता है और पूरे रास्ते बंद कर देते हैं, जिससे कि ये जो लड़के थे ये आप पे कमेंट्स कर रहे थे जिसकी वजह से ये हुआ। हाँ, और सीटी मारी। और आप हमारी, मैं ड्यूटी आ जा नहीं पाती हूँ, 112 में मैंने कई बार कॉल करा और इन्होंने 112 वाले बोलते हैं कि आप गाड़ी छोड़ दो और मैं रात को 1 बजे गाड़ी लेने जाती हूँ। मैम, आपने रिटर्न में कंप्लेंट भी दी थी क्या इससे पहले? मैंने कंप्लेंट भी दी है 112 में, हर साल मैंने फ़ोन करा है कि आप यहाँ इंक्रोचमेंट हटाइए हमारे घर के सामने से, मुझे ड्यूटी जाने में दिक्कत हो रही है। और इन लोग की भी कंप्लेंट गई है कि ये लोग बैठे रहते हैं पर कुछ भी नहीं करते हैं 112 वाले। गौरव, आपने इनकी बात सुन ली। अब वो जो लड़का है जिसके दिल तोड़े गए थे वो भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों लोग साथ में, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, ये मैम बोल रही है कि आप उन पे गंदे गंदे कॉमेंट्स आप लोगों ने किए, सीटियाँ बजाई, इस वजह से ये हुआ क्या? मैम, हम तो सुबह उठे तख्त पे सो रहे थे, मतलब हम गए वहाँ चाय लेने, तो मैम पानी वो पाइप लेके निकली, यहाँ पे पानी डालने लगी, तो मैम ने बोला दुकान हटा लो, तो मैंने कहा दुकान मैम रुकिए, अभी पापा साहब गाड़ी लेने गए हैं, हटा लेंगे। तो उसके बाद ने बोला मैम ने कि मेरा गाड़ी का टायर चोरी हो गया, तो हम मैम ने बोला कि गाड़ी का टायर चोरी, हम लोग तो गाड़ी कमेंट्स जो मैम बता रही हैं कि आप लोग उन पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मैम, किसी महिला, यहाँ भी महिला भी दुकान लगाई थी, किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ ये देखिए मेरा छोटा भाई है, इससे भी पूछ लीजिए, ये भी दुकानदार है, सबसे किसी से भी। इनकी फोटोज हैं, कल भी ये लोग खड़े रहे हैं और दिवाली में ही 4-5 लड़के बैठ के घूर रहे हैं और स्टंट्स कर रहे हैं हमारे घर के आगे। क्या कहेंगे? मैम, हम दुकान लगाए घूरेंगे क्यों? पहली बार मैं खाना खा रहा था यहाँ पर और ये यहाँ से निकली, पटाखे यहाँ जला रही थी, वो वहाँ से मैम वीडियो भी बना रही थी, तो हमने कहा बनाने दो, हम क्यों भागेंगे, हम चुप पे अपना लेट भी गए थे यहाँ पे। दिवाली में तो पटाखे लोग लगाएंगे ही, घर के बाहर तो करेंगे ही, इसमें क्या मैम, हम अपनी दुकान पे यहाँ रखवाली करते हैं, रात भर बैठते हैं, फिर उसके बाद हमने कहा इन्होंने कहा दुकान हटाओ, 1 मिनट में हटाओ, फिर यहाँ बाउल और ये लगा था, लात मार दिए, फिर यहाँ पे बल्ले पे, मतलब बल्ले से तोड़ फोड़ कर, तो वो तो हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जो हुआ। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो मैम आप पे आरोप लगा रही हैं कि इस तरीके की हरकतें होती हैं, आप लोग स्टंट करते हो, गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, उस बातों में कितनी सच्चाई है, हम ये जानना चाह रहे हैं। वो जो मैम ने तोड़ा वो तो पूरी दुनिया ने देखा। तो मैम, ये मेरी मम्मी से भी पूछ लीजिए, यहाँ सब ये आरोप बेबुनियाद हैं, ये झूठ बोल रही हैं। जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, ये इनको कोई चारा नहीं मिला, जब सामान वामान तोड़ दिया उसके बाद इनके भाई ने पैसे भी देने कहा कि पैसे ले लो, यहाँ से छोटू दुकान हटा दो, ज़्यादा बहस ऐस ना करो, तो मैंने कहा आपसे सर क्यों पैसे ले लें, उन्होंने तोड़ा है वो नुकसान किए। सीटी मारते हैं, हम लोग को गंदे कमेंट्स करते हैं और खड़े रहते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप पर करने की कोशिश करी है, आप मैं कोशिश कर रही हूँ, और लीजिए कहाँ है नंबर और दूसरे दीजिए, मैं आपको देना चाहती हूँ, ये खड़े हुए हैं घूरते रहते हैं। और प्रीति इनसे पूछिए, प्रीति इनसे पूछिए, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया, प्रीति सुनिए, प्रीति इन जो डॉक्टर अंजू आपके पास, इनसे पूछिए, अगर इन्होंने उनके साथ कोई अमर्यादित व्यवहार किया तो क्या ये तरीका है, क्या इन्होंने पुलिस में कोई शिकायत की इनके खिलाफ, क्या वहां पर जाकर अगर इनके मुताबिक इन पर फप्तियां कसते हैं, घूरते हैं, इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो पुलिस में क्यों नहीं गई, ये तरीका कितना जायज है, ये पूछिए इनसे। बिल्कुल
बिल्कुल गौरव, ये सवाल हमने उनसे पहले भी पूछा था, अब हम फिर पूछते हैं। मैम, जैसा हमने कहा कि ठीक है, आप जो कह रही हैं कि ये फप्तियां कसते हैं, तो क्या आपने इसके लिए इनके ऊपर कोई पुलिस में क्या रिटन कंप्लेन की थी? आपके पास रिटन कंप्लेन है? और दूसरा सवाल, क्या ये तरीका सही था जो आपने किया? आपको इस पे अफसोस है कि ये तरीका नहीं होना चाहिए था? 112 में कई बार पिछले 3-4 साल से कंप्लेंट करी हुई है कि हमारे आगे लगा देते हैं। कंप्लेन है मैम, में 112 हमें बताया गया है लेडीज़ को 112 में करना है, 112 में। अब जब 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ है, तो कल हमने अभी 2-3 दिन पहले रिटर्न में दिया है। पर कॉपी है मैम आपके पास? कॉपी है, हम हमें दिखा पाएंगे? नहीं, प्रीति इनसे ये पूछिए, प्रीति इनसे पूछिए ना, वो कॉपी आती है, इनसे ही पूछिए। ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, डंडे से उन्होंने उनका हजारों का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? और क्या ये इसको सही मानती है? कानून हाथ में लेने का अधिकार इनको किसने दिया? पूछिए इनसे मैम। ये बताइए कि हमने मान लिया कि आपने बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आपने कंप्लेन की है, लेकिन ये जो तरीका था, हम फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये जो तरीका था एक गरीब का इतना नुकसान कर देने का, क्या ये तरीका सही था? और ये जो हुआ दिवाली के एक दिवाली वाले दिन, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या आप मानती हैं कि आपसे गलती हुई, आपको ये तरीका नहीं अख्तियार करना चाहिए था, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी और एक्शन का इंतजार करना चाहिए था? पुलिस में हम तो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं कंप्लेन। तरीका मैम आप सही, दो दिन पहले भी करी, पुलिस आई कुछ नहीं करा, चली गई। तो हायर अथॉरिटीज कुछ कर नहीं रही हैं, लेडीज को कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे रही हैं, और लड़कों को सामने बैठा रही हैं, और एसआई ने खुद कहा कि हम नहीं हटाएंगे। मैंने वो भी आईएस इनसे पूछे, प्रीति आखिरी सवाल, क्या इनको अपने इस करतूत पर अफसोस है? प्रीति इनसे पूछे, क्या इनको अपने इस करतूत पर अफसोस है? आखिरी सवाल मैम, आखिरी सवाल, क्या आपको जो कल हुआ उस पर अफसोस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सही करा है। पुलिस अगर इंक्रोचमेंट नहीं हटाती है, पुलिस इंक्रोचमेंट नहीं हटाती है, और इन लोगों को पूरा लाइसेंस दिया हुआ है लड़कियों को छेड़ने का, तो आप ये बिल्कुल सही है कि हम, मैंने जो कोई गलत काम नहीं करा है, हटाने का, हटाना तो घर के आगे चाहिए था उनको, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं, आपको अफसोस नहीं? बिल्कुल अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है गौरव, अफसोस नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया, हमने रिटर्न में ये कंप्लेन भी दी थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमको करना पड़ा। लेकिन ये सही बात है कि अगर किसी गरीब का नुकसान हुआ है, तो ये सही तरीका, बिल्कुल इसको हम ठहरा नहीं सकते। हालांकि जो लड़का है ये हमारे साथ मौजूद है, ये आखिरी में कुछ कहना बोल, हाँ बात कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। मैम, हम दीपावली 21 तारीख को आए हैं, और ये भाई मेरा 1 हफ्ते 1 महीने से पहले बैठता था, आप इससे पूछ लीजिए। हम 2-3 दिन सिर्फ दुकानदारी, वहाँ दुकान लगी थी मेरी, तो इसलिए हम कभी वहाँ दौड़ दौड़ बेचते थे, कहीं यहाँ, तो यहाँ यहाँ मेरा भाई बैठता था स्टूल डाल के। तो ये जो बोल रही हैं आप, इनकी बातों पे यकीन करेंगे? आप बताइए, ये इससे पूछिए, किसी दुकानदार से पूछ लीजिए। ठीक है प्रीति, देखिए दोनों पक्षों की अपनी कहानी है, और इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम जो पीड़ित है और जो आरोपी है, दोनों को लाइव टेलीविजन पर लाएं, और अपने व्यूवर्स को ये तय करने दें कि वो किसको सही मानते हैं और किसको गलत मानते हैं। और इससे जुड़े जो सवाल थे वो बहुत लाउड थे, कोशिश ये की कि पिक्चर क्लियर करें। हालांकि अफसोस अभी भी नहीं है उन आरोपी डॉक्टर को, जो कह रही हैं कि इनके घर के सामने ये बाजार था और उसको हटाना था उनको।